দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনের সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ভুল চিকিৎসা করার ফলে এক যুবকের মৃত্যু হলো এই অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ অভিযোগ ধৃত ওই ব্যক্তি ভুয়ো চিকিৎসক পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম জলেশ্বর সিং বেশ কয়েক মাস যাবৎ সন্তোষীনগর এলাকায় অবৈধ চেম্বার খুলে চিকিৎসা করানোর নামে রোগীদের ঠকানোর কাজ করে চালাচ্ছিল এক ব্যক্তি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে চলতি মাসের দু তারিখ স্থানীয় এক যুবকের পেটে ব্যথা শুরু হলে তাকে চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে যায় তার পরিবারের লোকেরা অভিযোগ সেই সময় কিছু ভুল ওষুধ তাকে দেওয়া হয় আর তাতে ওই যুবক সুস্থ হয়ে ওঠার পরিবর্তে অসম্ভব যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন পরের দিন ওই যুবকের মৃত্যু হয় মৃত যুবক শিলিগুড়ির সূর্য কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসা চালানোর সময় প্রায় জোর করে চার বোতল স্যালাইন জাতীয় কিছু পদার্থ দেওয়ার পরেই ওই যুবকের শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করেছিল ঘটনার পর গত শনিবার খালপাড়া ফাঁড়িতে পরিবারের তরফে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় অভিযোগ ওই চিকিৎসককে ভুয়ো বলে উল্লেখ করা হয় মৃতের পরিবারের তরফে দায়ের হওয়া সেই লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেদিনই ওই চিকিৎসককে গ্রেফতার করে খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ রবিবার তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয় অন্যদিকে পরিবারের তরফে দায়ের হওয়া লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সামগ্রিক ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার অধীন খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ कुछ नहीं हुआ बाबू के एक तो उल्टी हुआ था और पेट में दर्द किया ऐसे बगल में है उसी मेरा घर के बगले में वो डॉक्टर यहाँ ले गए हम सोचे कि से बाबू के केक उल्टिया हुआ पेट दर्द हुआ दवाई देगा तो ठीक हो जाएगा ले के सरे सात बजे बोले दीदी ऐसा ऐसा बात है दवाई दीजिए वो बोली लेके आइए देख लेते हैं लेके किए तो बोली कि से एक उल्टी हुआ पानी उनी चरा देंगे पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा और उल्टी भी ठीक हो जाएगा उसके बाद हमको क्या किया हम बोले तो मेरा लड़का जिम करता था कॉलेज लास्ट उसका लास्ट ईयर कॉलेज था कॉलेज ख़त्म होने वाला पूरा मोटा छोटा जिमर था बाबू मेरा जिम करता था वो बोला कि नस नहीं मिलता हम बोले नस नहीं मिलता है दीदी छोड़ दीजिए तो बोले कि नहीं मिल गया हम हम अंदर में थे हमको भी निकाल दिया उनको भी निकाल दिया पानी लगा दिया हमको पता नहीं था हम पढ़े लिखे तो है नहीं उसके बाद <laughs> पानी उसके बाद अढ़ाई बोतल वेजे कैसे कौन पानी चढ़ाया क्या, क्या क्या हमको पता नहीं है मेरा बाबू गर्म नहीं हुआ उसके बाद मेरा बाबू बोला हमको भूख लगल है मम्मी घर जाएंगे घर आ गया दो बाथरूम गया उसके बाद बोला बाथरूम जाएंगे बाथरूम जाके आया बोला मा खाएंगे तो पानी है मेरी गोल्ड बिस्कुट दिए बाबू खा लिया उसके बाद उसका लड़का बोला कि उसको खिचड़ी बना दीजिए मूंग दाल का खिचड़ी दिए उसके बाद उसकी माँ आई पानी जो आधा बोतल वहाँ चढ़ाई थी आधा बोतल बांकी था वो ले कर आई मेरे घर में लगा दिया हमको पता भी नहीं था कौन पानी कौन दवाई कौन सी या क्या दे रही है खाली बोल रही थी ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा चार बोतल पानी चढ़ा दिए साढ़े सात बजे साढ़े सात शाम बजे तक उसके बाद में उसके बाद मेरा बाबू थोड़ा सो गया तो हम सोचे सो गया उसके बाद ये उसको क्लिनिक पर नौ बजे बोले कि हो आराम नहीं होता है मेरा बाबू बोली हम कहीं ले जाएंगे तो उसका लड़का नीरज बोलता है कि जे नहीं मम्मी वो जिमर लड़का है आस्ते आस्ते आराम हो जाएगा आप टेंशन मत लीजिए उसका बाप पानी लगा दिया लगा के छोड़ दिया उसका बीवी कभी पानी चढ़ाती थी उसका बेटा कभी चढ़ाता था कभी वो चढ़ाती थी कभी वो चढ़ाता इसे कर के बाबू तल बतल तर पानी चढ़ा दिया पहले उसका पति विकेर रंजन चढ़ा है उसके बाद है। वो अंजलि संजू सिंह है वो वो ओकरबाद नीरज वही डॉक्टर वही फर्जी डॉक्टर है जो हम तो उतना पता नहीं है बाबू वो क्लिनिक छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ है वहाँ पर वहाँ ऐजे बगले में है गली में है वही जे लेके हैं हमको बोलता हमको बोलता नहीं होता हम दूसरे जगह ले जाते मेरा बाबू जी मरता कॉलेज करता था हाँ घर में क्लिनिक खोल के रखा है ऐ है हमको उतना पता नहीं था सब दवा उवा लेते थे इतना दिन से हम लोग भी लेते हमको पता नहीं है अच्छा ये जो बगल वाला जो है क्या था ये अब हाँ तो नहीं रहा वो नहीं ये क्या चीज का दुकान दुकान, था दुकान, दुकान था। में दवाई अच्छा। पे का दुकान है यहाँ पे क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट करता था कौन करता था कौन करता था कौन कौन डॉक्टर था अब नाम अब दुनिया जान अब कहा बताएंगे तो बगल वाले तो घर है आपका घर है, रहता रहता है। रहता हम हाँ? तो हर टाइम रहता नहीं जानते कितने धुण? दिनों से दुकान चल रहा था तो कोई है महीने से दुकान किसका दुका था जो घर है उसी का है नाम क्या है আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য